आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता है, सब कुछ आता और जाता रहता है। तभी तो कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लेकिन कभी कभी हम लाइफ में आने वाले चेंजेस से घबरा जाते हैं, हमें कोल्ड फीट जैसा लगने लगता है और ऐसा लगता है कि ये जो सब जिस काम को करने से हो रहा है वो काम करें भी या ना करें। तो मेरे एक रिलेटिव की बेटी ने मुझसे जानना चाहा कि क्या चाणक्य उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं। अरे भाई, चाणक्य तो हर बात का जवाब रखते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। ये लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसकी जॉब कोरोना टाइम पर चली गई क्योंकि कंपनी को अपने लॉसेस कंट्रोल करने के लिए मेजर लेवल पर इंप्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ा। एज अ रिजल्ट इसमें लड़की की जॉब भी चली गई। अब वो इस चेंज से कोप अप नहीं कर पा रही है क्योंकि घर में खाली बैठना उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है और बिना सैलरी के उसे डैडी के रेस्टोरेंट में खाना भी पसंद नहीं है। तो मैं इस बच्ची से और आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि माना अगर थोड़े वक्त तक मार्केट बंद रहा और उसके बाद कंपनीज का दोबारा खड़े हो पाना भी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से जो नेसेसरी इंप्लॉयज नहीं थे उनको डेड वेट समझकर हटा दिया। हालांकि ये कंपनीज के लिहाज से देखा जाए तो काफी अनएथिकल स्टेप था, लेकिन सर्वाइव करने के लिए, अपनी कंपनी को बचाए रखने के लिए उन्होंने ये स्टेप ले लिया। अब जिनकी जॉब्स गई हैं वो ध्यान से सुने, थोड़ा रूड साउंड करेगा लेकिन सच बताऊं तो आप लोगों ने अपने ब्रेकअप का भी रोना धोना मैक्सिमम 7 से 10 दिन तक मचाया था। ऐसे में अगर कंपनी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है तो मेरे ख्याल से 7 दिन भी मत लो, बिल्कुल उसी तरह धूल झाड़ के खड़े हो जाओ जैसे बचपन में प्लेग्राउंड में गिर जाते थे। और अगर इधर उधर से अटेंशन नहीं मिले तो चुपचाप अपने कपड़े झाड़ते हुए फिर से खेलने में जुट जाते थे। आई नो कि आपके इमोशन सभी भी आपको जकड़े हुए हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इतने साल दिए कंपनी को और कंपनी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा हमें टाटा बाय बाय करने से पहले। इसके बारे में चाणक्य ने कहा है कि इमोशंस एक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, तो इमोशन में पढ़ना ही क्यों, सीधा एक्शन पर लग जाते हैं। हालांकि अच्छी कंपनीज आपको जाने से पहले 1 से 3 महीने की सैलरी हैंडशेक अमाउंट में देती हैं, जो नहीं देती हैं उनके बारे में ना ही बात करें तो बेहतर होगा। सो एटलीस्ट 1 से 3 महीने तक आपको डेली ब्रेड एंड बटर का नहीं सोचना है। सबसे पहले अपनी एम्प्लॉयबिलिटी पर ध्यान दें, अपना CV, अपना LinkedIn अकाउंट वगैरह सब सॉर्ट कर लें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपकी कंपनी ने आपको जॉब से फ्री कर दिया है, इस बारे में सोशल मीडिया पर अपना इमोशनल आउटबर्स्ट ना निकालें क्योंकि ये बचकानी हरकत है और इससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी पर भी मेजर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे आपके ब्रेकअप से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि सब आपके मजे ही लेते हैं, उसी तरह आपकी जॉब जाने से भी किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन HR आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ट्रैक करते हैं, वो आपके पोस्ट और कमेंट्स को भी देखते हैं। सोशल मीडिया आजकल इंसान की लाइफ का आईना बन चुका है और इसी की वजह से कई लोगों की जॉब जाती है और मैंने तो उन्हें ह्यूमिलिएट होते भी देखा है। सो माय एडवाइस इज रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्ट्स। रिक्रूटर्स हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास नॉलेज हो और हमेशा सीखने के लिए तैयार हो। उन्हें आपके इमोशनल साइड को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसे अपने तक ही रखिए। बी रेडी फॉर द चेंज। ये चेंज एनवायरमेंट का चेंज भी हो सकता है, वर्क कल्चर का भी हो सकता है, वर्क प्रोसेसेस का भी हो सकता है और SOPs का भी चेंज होगा। आफ्टर ऑल आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको शहर भी चेंज करने को कहा जाए। एंड ट्रस्ट मी, अगर पॉसिबल हो तो शहर भी चेंज कर लीजिए। आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नया शहर, नई जॉब और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्या क्या नया सिखाएंगे। सेकेंडली, अगर आपको वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रही जैसी पिछली थी, आई मीन इन टर्म्स ऑफ कंपनी साइज वगैरह, तो भी परेशान नहीं होना है। ऑल्सो जब हायरिंग हो रही हो तो सैलरी नेगोशिएशन में आपको पुरानी कंपनी जितने पर्क्स शायद ना मिल पाए, बट यू कैन ऑलवेज गेट बेटर बाय वर्किंग हार्ड एंड शोइंग योर कलर्स। 2008 के रिसेशन और 2019 के कोरोना ने हमें सिखा दिया कि बुरा वक्त और हार्श डिसीशंस कभी भी लिए जा सकते हैं। सो थिंक अबाउट प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, यानी कि आप इस बार जब जॉब ज्वाइन करें तो उसे 2020 का मैच नहीं बल्कि एक बड़ी सीरीज की तरह खेलें, अपनी जगह बनाएं, अपने काम से अपनी रेपो बनाएं, अवार्ड्स और एक्सीलेंस के बारे में सोचें, अप्रेजल और पर्क्स को ही सब कुछ ना माने। याद रखिए कि आप काम करने क्यों आए थे,
क्योंकि पैसा तो शायद कुछ भी करके मिल जाता, लेकिन अपने वर्क क्वालिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन का रास्ता आपको खुद बनाना होगा। शहर, बरसों से जमा जमाया जॉब या वो वर्टिकल जिसमें इतने बरसों काम किया है, अगर कहीं पर भी कंफर्ट जोन है तो वो कहीं ना कहीं आपको किल कर रहा है, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी और आपके एंड्योरेंस को किल कर रहा है। सोचिए अगर चाणक्य ने खुद को कंफर्ट जोन में रखा होता, या फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त को ही कंफर्ट जोन में रखा जाता, तो क्या चाणक्य खुद इतने बड़े पॉलिटिशियन बनते या चंद्रगुप्त इतना बड़ा सम्राट बनता? वी हैव टू टेस्ट आवरसेल्फ ऑन द टायरसम एंड अनएक्सप्लोर्ड रोड्स ऑफ टाइम। सो लेट्स कम आउट ऑफ व्हाटएवर कंफर्ट जोन वी आर इन एंड मूव ऑन विद द फैक्ट कि चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। मैं भी नहीं बदलता क्योंकि मेरे मेंटोर के थॉट्स आज तक नहीं बदले, वो बदलते जमाने के साथ भी रेलेवेंट है। चलिए जी, इस एपिसोड में इतना ही, और अगर आपको कुछ भी सवाल मुझसे पूछने हैं, यानी आचार्य विष्णुगुप्त के एक्सपीरियंसेस के साथ, सो फोक्स लेट्स कनेक्ट अगेन सून इन अ होल न्यू एपिसोड ऑफ चाणक्य नीति। टिल देन, चाओ।